इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में शनिवार को शेख जायद स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। कोलकाता को जहां अपने पिछले मैच में जीत मिली थी, वहीं पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। अब पंजाब इस मैच को जीतकर हार के सिलसिले को खत्म करना चाहेगी। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता के बल्लेबाज एक बार फिर फेल हुए थे। सलामी जोड़ी में बदलाव जरूर टीम के काम आया था और सुनील नारायण के स्थान पर ओपनिंग करने आए राहुल त्रिपाठी ने 51 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उनके अलावा कोलकाता का कोई और बल्लेबाज चल नहीं सका था। इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल भी सस्ते में आउट हो गए थे। त्रिपाठी ने ही टीम को संभाला था और 160 के पार ले गए थे। नरेन को ओपनिंग ना भेजने पर चौथे नंबर पर भेजा गया था। इससे इयान मॉर्गन, आंद्रे रसल और नीचे आए थे। कोलकाता को अपनी बल्लेबाजी को लेकर गहन चिंतन की जरूरत है, तो वही मॉर्गन और रसेल ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें जितना समय बल्लेबाजी के लिए मिलेगा टीम को उतना ज्यादा फायदा होगा। अभी तक हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, इसीलिए टीम प्रबंधन को चाहिए होगा कि वो इन दोनों को ऊपर भेजें, अन्यथा टीम की जो बल्लेबाजी काबिलियत है वो पूरी तरह से उपयोग में नहीं ले पाएगी। गेंदबाजी में पिछले मैच में टीम ने कम स्कोर का बचाव कर लिया था। एक समय टीम मैच हारती दिख रही थी, लेकिन स्पिनर नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने टीम की वापसी कराते हुए उसे मैच जिता दिया था। तो वहीं शिवम मावी और कमलेश नगरोटी पैट कमिंस के साथ मिलकर पंजाब के कमजोर बल्लेबाजी को जल्दी निपटाने का दम रखते हैं। कोलकाता को चाहिए तो सिर्फ लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल के विकेट। इन दोनों के जाने के बाद पंजाब की बल्लेबाजी असहाय हो जाती है, जिसमें कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखता जो अंत तक खड़े होकर टीम की नैया पार लगा सके। तो वहीं गेंदबाजी में पंजाब का आक्रमण मोहम्मद शमी के ऊपर है। शेल्डन कॉटरेल ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन उन पर लगातार भरोसा बनाए हुए है। इस मैच में हो सकता है कि कॉटरेल की जगह किसी और को मौका मिले। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।